प्लेजरिज्म के हवाले से मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स या जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है QEC में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, या बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ या लेबॉरटरीज में, लाइब्रेरीज में, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, ये टर्निटिन की वेबसाइट पे क्विज अवेलेबल है, जिसको कोई भी स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर या जो स्टाफ रेलेवेंट है वो अटेम्प्ट करके अपनी नॉलेज को असेस कर सकता है। अगर ट्यूटोरियल की बात की जाए तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये रिकॉग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग प्लेजरिज्म के हवाले से ट्यूटोरियल मौजूद है। राइट चेक, जो कि टर्निटिन की तरह ऑथर्स के लिए एक प्रोडक्ट है, वहाँ पर भी आप प्लेजरिज्म के कॉन्सेप्ट को असेस कर सकते हैं कि वेदर आपको पता है कि प्लेजरिज्म किस तरह डिटेक्ट किया जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें प्लेजरिज्म में काउंट होती हैं। देन इंडियाना यूनिवर्सिटी का भी प्लेजरिज्म ट्यूटोरियल कंप्लीट अवेलेबल है, और इसमें टेस्ट भी अवेलेबल हैं कुछ, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या फैकल्टी मेंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। टर्निटिन की जो क्विज है उसके कंप्लीट आंसर गाइड भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है उनकी वेबसाइट पे, जो कि आप अटेम्प्ट करने के बाद देख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, टर्निटिन राइटर्स हैंडबुक प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्रामर, यूजेज और मैकेनिक्स स्टाइल के हवाले से डिफरेंट एग्जांपल्स प्रोवाइडेड हैं, और वो जो राइटअप में इश्यूज आते हैं इन एस्पेक्ट्स में, उनको फर्दर क्लियरिफाई करते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, हाई स्कूल लेवल का भी है, अगर आप मिडिल स्कूल लेवल का देखेंगे वो भी है, एलिमेंट्री भी है, और इंग्लिश लर्नर्स के हवाले से भी बेसिक जो है इन डोमेन्स में, जो कॉमन एरर्स स्टूडेंट्स या जो स्कॉलर्स या जो फैकल्टी मेंबर राइटअप में कर रहे होते हैं, उनको हाईलाइट किया गया है, और उनकी क्लेरिटी विथ एग्जाम्पल दे के वो की गई है। तो ये सारे जो इन एडिशन टू HEC प्लेजरिज्म पॉलिसी, चीज़ों को स्टूडेंट्स को फर्दर उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो शेयर कर सकते हैं।